अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बेग। वन एसी वन फ्रिज फोर फैंस सोलर सिस्टम फॉर होम। अगर आपके घर में एक एसी है, एक फ्रिज है, चार पंखे हैं, तो कौन सा सोलर सिस्टम आपको लगवाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको सोलर से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड हर तरह की वीडियो मिल जाए और आप उससे फायदा भी उठा सकें। आपको पता होना चाहिए कि पिछले तीन चार महीनों के अंदर सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन में बेतहाशा इजाफा हो गया चाइना के अंदर, और जितनी डिमांड थी उससे भी ज्यादा सोलर पैनल बनने शुरू हुए हैं चाइना के अंदर। तो उसकी वजह से यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी 12,300 कंटेनर्स कराची पोर्ट में मार्च के महीने में उतरे हैं। तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि सोलर पैनल की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब सोलर पैनल की सप्लाई बढ़ जाएगी और ए ग्रेड के डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल, जिसका बार कोड भी वेरीफाई होता है उनकी वेबसाइट से जाके, बार कोड और जो सोलर पैनल के टॉप होता है ना, टॉप शीशे के नीचे, वहां भी बार कोड लिखा होता है, और वो जो पैलेट के ऊपर एक पेज होता है ब्लैक एंड व्हाइट और ऊपर कलर होता है, लोगी हाइमो 5 लिखा होता है, लोजी हाइमो 6 लिखा होता है, फिर जिंको एन टाइप लिखा होता है, जिंको टाइगर न्यू, जिंको टाइगर प्रो और कैनेडियन टॉप कॉन, ये सारा कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। वो जो बार कोड होता है जिसके 31 पैनल होते हैं, उसके एक एक कोड को आप वेरीफाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से जाके, और बार और उसी बार कोड को आपको उससे वेरीफाई कर सकते हैं सोलर पैनल की टॉप पे। जब सोलर पैनल, फर्ज किया 6 फुट लंबा सोलर पैनल है, 4 फुट चौड़ा सोलर पैनल है, तो उसकी बिल्कुल टॉप के ऊपर जाके आपको वो बार कोड लिखा नजर आएगा शीशे के नीचे, उसको आपने पढ़ना है, और जो पेज आपको मिलता है बार कोड का उसके साथ वेरीफाई करना है। फिर टेस्ट रिपोर्ट आपने देखनी है, फिर आपने और जितनी भी रिपोर्टें हैं वो सारी देखनी है, उसके कार्ड देखने हैं, फिर आपने उससे लिखवा लेना है उस सोलर पैनल कंपनी वाले से कि जी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे वारंटी वो देगा। ठीक है जी, अब आप आ जाए जी इस वीडियो की तरफ। अगर आपने अपने घर की छत के ऊपर इस तरह का सोलर सिस्टम लेना है जो एक एसी एक फ्रिज चार पंखे चला सके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने अपने सिटी का नाम बताना है, तो तभी आपको बताया जा सकता है कि आप 3 किलोवाट वाला लगवाएं, 5 किलोवाट वाला लगवाएं, कौन सा सोलर पैनल लगवाएं, कौन सा सोलर इन्वर्टर लगवाएं, फिर कितनी आपको बचत होगी, कितने यूनिट्स आपके बन जाएंगे हर महीने, ये भी आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शुरू में किया करें, ताकि हमें भी अप्रिसिएशन मिलती है। जितनी आप लाइक करेंगे, हम आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना के ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे, ना सिर्फ ये कि सोलर से रिलेटेड बल्कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से भी। ठीक है जी, अब आप आ जाएं जी वीडियो की तरफ। वीडियो में आपने करना ये है, ये जो सिस्टम है ना, ये 3 किलोवाट का सिस्टम है, इसमें 510 वाट के आपने टाइगर न्यू ब्रांड के जिंको के सोलर पैनल लेने हैं। ठीक है, टाइगर न्यू ब्रांड जिंको के 510 वाट के सोलर सिस्टम सोलर पैनल लेनी है। छह पैनल आपको मिलेंगे 1,58,000 रुपए के। ये चूंकि एन टाइप के सोलर पैनल्स हैं, इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, इसकी बिजली बनाने की कैपेसिटी अच्छी है। इसके मुकाबले में अगर आप लेना चाहते हैं तो कैनेडियन सोलर का टॉप कॉन टेक्नोलॉजी वाला भी 510 या 515 वाट वाला आप सोलर पैनल ले सकते हैं। 6 ये पैनल लेने हैं आपने, ये भी आपको 1,58 से लेके 1,60 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी, 1,60,000 में। फिर आपने 3 स्टैंड लेने हैं, 3 स्टैंड आपको इस सिस्टम के साथ मिलेंगे, जिससे मर्जी लें, हमसे लें, किसी से दुनिया के बंदे से आप लें। 3 किलो 3 आपने L2 स्टैंड लेने हैं, हैवी वेट वाले, 14 गेज वाले, यानी 14 गेज होगी, वजन उसका हैवी होगा, उठाएंगे ना तो आपको हैवी लगेगा और जंग नहीं लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि गैल्वनाइज्ड होगा, यानी कि जंग प्रूफ किस्म की वो उसके ऊपर पेंट हुआ होगा। ठीक है जी, यानी कि समझो कि उसके ऊपर एक कोटिंग हुई होगी। और तीसरी चीज, ये जो नट बोल्ट है ना, वो आपने स्टेनलेस स्टील के लेने हैं, हमेशा भूलना नहीं है कभी भी, नट बोल्ट हमेशा स्टेनलेस स्टील के होंगे। फिर जो डीसी वायर्स हैं वो हमेशा कॉपर की आपने यूज करनी है, 99.9% प्योर कॉपर वायर यूज करनी है, और हैवी गेज वाली यूज करनी है, यानी मोटी तार यूज करनी है। ये आपको मिलेगा जी 20,000 रुपए में डीसी वायर्स प्लस और आपका ब्रिकर्स, ये 20,000 रुपए के, और L2 स्टैंड 6,000 रुपए, ए स्टैंड है 3 स्टैंड आपको मिलेंगे 18,000 रुपए के। फिर जो सोलर का इन्वर्टर है 3 किलोवाट का, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, दुनिया में कोई 50-60 डिफरेंट कंपनीज हैं जो सोलर के इन्वर्टर बना रही हैं, तो कोई भी आप इन्वर्टर ले लें, इसमें 75,000 रुपए का मिलता है 5 साल वारंटी वाला, तो 5 साल वारंटी वाला आपको 75,000 का सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा। और इंस्टॉलेशन जो इलेक्ट्रीशियन होता है, जो इंस्टॉल करके देता है, आपको लगा के देता है, तारे शारे सारी पाइपों के अंदर लगा के देगा, छत के ऊपर जाकर फिटिंग भी करके देगा, वो आपसे लेगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज तकरीबन। तो ये 20,000 रुपीज में ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, यानी कि सोलर पैनल उस दुकान से लेके घर आने का जो किराया होगा किसी भी लोडर के ऊपर, किसी पिकअप के ऊपर 3-4,000 तो भी होता है, तो टोटल वो 20,000 रुपीज बनेगा। तो ये जो सिस्टम है ना 3 किलोवाट का, जिसके ऊपर एक आपका एसी चलता है, इन्वर्टर एसी, डीसी इन्वर्टर एसी जिसे बोलते हैं, एक इन्वर्टर एसी चल जाएगा, साथ एक फ्रिज चल जाएगा, पानी की मोटर चल जाएगी, और पंखे 4-5 चल जाएंगे, 4-5 लाइटें एलईडी की चल जाएंगी 12 वाट वाली। तो ये आपका सिस्टम बनेगा जी 2,70,000 रुपए में, और इसका फायदा ये है कि हर महीने आपको 360 यूनिट ये बना के देगा। और बचत कितनी देगा,
आपको तकरीबन महीने के बिलों के अंदर 20 से 25,000 रुपए की बचत होगी हर महीने, कम से कम 20 से 25,000 रुपए की बचत होगी। यानी टोटल अगर आपका 50,000 बिल आ रहा था, अब 50 की बजाय आएगा इस साल 25,000 रुपए बिल, यानी आधा बिल रह जाएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपके घर में सिर्फ एक एसी है तो ये सिस्टम लगवा लें, किसी भी दुनिया के बंदे से लगवा लें, पाकिस्तान से लगवा लें, सऊदीया से लगवा लें, दुबई से लगवा लें, इंग्लैंड से लगवा लें, पाकिस्तान में कराची से लगवा लें, मुल्तान से लगवा लें, जिस भी शहर से आपने लगवाना है लगवाएं। और नीचे कमेंट में बताएं कि आपके घर में कौन सा सिस्टम है और कैसा आपका एक्सपीरियंस है इसको सोलर के सिस्टम को लगवाने के बाद। और मैं ये भी रिकमेंड करता हूं, अगर आप कराची के करीब हैं तो विंड के मशीन्स के ऊपर भी काम करें, विंड भी आप घर में लगवा सकते हैं। कराची जो लोग डीएचए में रहते हैं या कराची क्लिफ्टन में रहते हैं या हॉक्स बे के करीब रहते हैं या कश्मीर पॉइंट के डिफरेंट एरियाज है ना कराची में, वहां पे जहां पे समुंदर की हवा बड़ी तेज आती है, या ग्वादर में पसनी में जहां समुंदर की हवा बहुत तेज आती है, वहां विंड मिल्स भी लग सकती हैं। अपने घर की छत के ऊपर छोटी विंड मिल लगवा लें, आप 10 किलोवाट की विंड मिल ले सकते हैं बाजार से, कराची सदर आप जाएं आपको कराची सदर से 10 किलोवाट की विंड मिल मिल जाएगी, उसको आप इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बजाय नहीं आपको फिर भी मिल रही तो आप OLX के ऊपर जाके या डिफरेंट और वेबसाइट्स के ऊपर जाके गूगल के ऊपर जाके सर्च करें तो आपको कराची में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो आपको 10 किलोवाट 20 किलोवाट की विंड मिल आपके घर की छत पे लगा देगा। उससे आप बिजली पैदा करें, ना सिर्फ खुद बिजली यूज करें बल्कि हम साया में भी आप आगे दे सकते हैं और उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।